बहुत साल पूर्व मैं उड़ीसा में आई, 30 साल पहले, और आज 30 साल के बाद एक यहाँ इवेंट हुआ भुवनेश्वर में, जिसमें मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया। मैंने कहा ये बुलावा है, मुझे पूरी जाना ही है। सर, हम सुबह जल्दी आना चाह रहे थे, लेकिन सुबह यहाँ कुछ रिचुअल्स चल रहे थे तो हम कहीं रुके हुए थे। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बुलावा आए, जब जगन्नाथ जी बोले कि हाँ चलो अब आ जाओ, तो अभी हम इस वक्त आ गए। वो अच्छे कड़ाके के धूप में एकदम नीचे गरम गरम, जब खड़े होने के लिए तकलीफ होती है ना, वो चाहते कि वो भाग उसी टाइम में आए। उड़ीसा में मैं भुवनेश्वर, कटक, पुरी देख चुकी हूँ, कोणार्क भी, और इस बार भी मैंने भुवनेश्वर और कोणार्क देखा, बहुत अच्छा लगा। और भुवनेश्वर के लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्यारे हैं, पूरी के भी इतने स्पिरिचुअल और इतने भावुक लोग हैं, इतने सीधे साधे हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। क्या प्रार्थना करेंगे मैडम जगन्नाथ जी से? मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगी कि मेरा जन्म सफल कर दे। कैसा लग रहा है ये चारों तरफ जैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो कैसा लग रहा है? हाँ, वो जो इतना बड़ा रास्ता बना है, वो मतलब बोलते हैं राजा का मार्ग, ताकि सारे भक्त अच्छे से आ सके और गाड़ियाँ भी आ सके। आई थिंक ये बहुत अच्छा नेक काम किया है और बढ़िया काम किया है, और इस मंदिर में आने के लिए सब इतने उत्सुक होते हैं, अभी वो बहुत आसान हो गया है। मैम कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा पहना हुआ है। अच्छा जी, हाँ, ऑरेंज मेरा फेवरेट कलर है। लोग कहते हैं कि ये सन्यासियों का रंग है, मैं सन्यासी तो हूँ नहीं, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक्ट्रेस डांसर हूँ, लेकिन ये रंग मुझे बहुत पसंद है।